यहीं के लोग हिंदू बने, यहीं के लोग क्रिश्चियन बने, यहीं के लोग मुसलमान बने, इसका मतलब यह हुआ कि आपके हमारे खून में सब एक ही है, क्योंकि आप और हम कोई धर्म में अपने पैदा होने से पहले ईश्वर के पास अर्जी नहीं लगाते कि मुझे स्वामीनारायण धर्म में मानने वाले परिवार में पैदा करना, इस्लाम धर्म में पैदा करना, क्रिश्चियन धर्म में पैदा करना, हिंदू धर्म में पैदा करना, क्योंकि आपको हमारे को अपना जीवन कब जगना है, पैदा कब होना ये हमारे हाथ में नहीं, और मृत्यु आपकी हमारी कब है ये भी आपको हमको पता नहीं। तो जिस व्यक्ति को अपना जन्म पता नहीं और मृत्यु कब होगी ये पता नहीं, और उस व्यक्ति ने ये कहना कि हिंदुत्व खतरे में है और इस्लाम खतरे में है, कितनी बड़ी बेवकूफी है। अरे धर्म क्या है? धर्म कर्म है। ये सारी विधांत विधियां जो महाराज साहब यहां बता रहे हैं, कभी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताएंगे, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बारे में बताएंगे, कभी भगवान शिव के बारे में बताएंगे, कभी भगवान ब्रह्मा के बारे में बताएंगे, उससे जीवन में सीखना है, अपने जीवन के आचरणों को सही करना है और अपने धर्म को कर्म का रूप देना है और कर्म को धर्म का रूप देना है। यही धर्म है, यही धर्म है। मंदिरों में जाकर के चढ़ावा चढ़ाना धर्म नहीं, मस्जिदों में जाके सिर्फ नमाज पढ़ना धर्म नहीं, लेकिन उन धार्मिक किताबों में जो लिखा गया है अच्छाई के बारे में, माता पिता के बारे में, भाई बहनों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, कारोबार के बारे में, उस मार्ग पे चलना ही धर्म है। किसी गरीब के को मदद करना धर्म है, कोई विधवा को मदद करना धर्म है, कोई अनपढ़ को मदद करना धर्म है, कोई भूखे को खाना खिलाना धर्म है, यही धर्म है, और मैं इस धर्म का मानने वाला हूं। जय स्वामीनारायण, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।